के भवरकुआ थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन की खबर जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चर्च पहुंचे और जमकर नारेबाजी कर चर्च में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया और जांच के बाद आरोपियों पर FIR दर्ज करने का आश्वासन हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को दिया। दरअसल इंदौर के भवरकुआ थाने से चंद कदमों की दूरी पर सत प्रकाशन चर्च है, जहां आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी बीच किसी ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना दी थी कि चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चर्च पहुंचे। उन्होंने देखा कि चर्च में प्रार्थना चल रही थी। कार्यकर्ता ने प्रार्थना रुकवा कर चर्च में जमकर नारेबाजी कर तोड़फोड़ की और धर्म परिवर्तन के लिए लाए गए लोगों को चर्च से बाहर निकाला। चर्च में करीब 100 से ज्यादा महिलाएं पुरुष मौजूद थे, सभी अलग अलग जिलों से इंदौर आए थे। वहीं धर्म परिवर्तन के लिए लाई गई युवती ने बताया कि सभी अलग अलग जिले से आए हैं। उन्हें यह लालच देकर बुलाया गया है कि उनकी जो भी समस्या होगी वो यहाँ दूर हो जाएगी। यह हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदू संगठन का आरोप है कि लोगों को भ्रम में रखकर लालच देकर यहाँ बुलाया गया है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जो इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। शालिनी कौशल पिता राकेश कौशल द्वारा थाने आके रिपोर्ट किया था कि सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदुपुरी इंदौर में गाना वाना बजा बजू कर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना भोर को अपराध क्रमांक 83/2021 धारा 3 एवं 5 मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में राकेश कौशल, रानी कौशल, गणेश, लवीना, हेमंत, कांता, शांति, मनीष, जितेंद्र और विपिन को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में प्रकरण की विवेचना की जा रही है।